हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से सारे के सारे बच्चे लाइव आइए ताकि जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सके। और अभी अपने को देखना है पंचायती राज के बारे में, मतलब अभी हमारी कौन सी क्लास होगी, तो अभी हमारी होगी पंचायती राज की क्लास, है ना। तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाइए ताकि जल्दी से हम क्लास स्टार्ट कर सके। पंचायती राज का ये कौन सा चैप्टर होगा बच्चे? तो पंचायती राज का ये चैप्टर 6 होगा, जिसमें हम स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो स्थानीय स्वशासन के बारे में हमारी यहाँ पर क्या होगी, चर्चा होगी। तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे एकदम लाइव आइए। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास। जितने बच्चे लाइव है एक बार मेरे को कमेंट करके बता देंगे बेटा क्या मेरी आवाज सही से आ रही है आप लोगों को। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज सही है, वीडियो क्लियरली विजिबल है क्या। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। जैसा कि मैंने बताया, पंचायती राज पर चर्चा होनी है और पंचायती राज का चैप्टर 6 आज हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो ध्यान देंगे सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के बारे में, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? तो हमारे चैप्टर का नाम है स्थानीय स्वशासन, जिस पर हमारी बात होनी है अभी। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन मतलब किसकी बात हो रही है? तो सीधा सीधा आप समझेंगे, स्थानीय स्वशासन मतलब किसी एक स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर शासन करने की बात की जा रही है। अब शासन यहाँ पर देखो 2 प्रकार का होता है ना। एक शासन जिसको आप समझते हैं राजा, जो अपने राज्य पर शासन करता है, ठीक। तो यहाँ पर भी राजा अपने राज्य पर ही शासन कर रहा है, लेकिन अपने प्रशासन को छोटे छोटे स्तर पर बांट दिया गया है। तो जो छोटा छोटा स्तर है ना, जहां पर जो पंचायत शासन करती है, उसको हम स्वशासन के नाम से जानते हैं। क्लियर क्या? तो ये एक समझाने के लिए था आपका। हमारे यहाँ राजा महाराजा नहीं हुआ करते हैं, होते हैं कुछ कुछ एरियाज में, पर वैसे राजा महाराजा नहीं हुआ करते, लेकिन प्रशासन तो अभी भी चली रही है। और प्रशासन को चलाने का अपना अपना एक तरीका होता है, तो उस तरीके के बेस पर इसमें से एक तरीका है अपना स्वशासन, छोटे छोटे एरिया में अपना शासन चलाना, यही आपका क्या कहलाता है, स्वशासन कहलाता है। और स्वशासन को ही आप दूसरे फॉर्म में किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अभी हम फिलहाल चर्चा करने वाले हैं, ठीक बात क्या। चलिए तो देखते हैं स्थानीय स्वशासन क्या है और क्या बोला जा रहा है इसके बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो, जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर, 3 लेवल पर आपको पंचायती राज की व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। एक आपको दिखता है ग्राम लेवल पर, जिसको आप ग्राम स्तर के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको दिखता है खंड स्तर पर, जिसको आप ब्लॉक लेवल के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर जाएंगे तो आपको दिखता है जिला स्तर, जिसको आप जिला के नाम से ही जानते हैं। तो आप समझेंगे कि इन तीनों एरिया पर स्वशासन की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो गाँव में जो पंचायती राज होती है उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। गाँव से ही मिलकर के बना हुआ है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके ऊपर जब हम ब्लॉक में जाते हैं तो वहां पर भी एक पंचायत की व्यवस्था होती है, तो उसको आप जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं। क्या क्लियर हुई बात है? गांव में जो होता है उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, ब्लॉक लेवल पर जो होता है उसको आप जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं, और जिला में जो होता है उसको आप जिला पंचायत के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई? चलिए, अगर ये तीनों चीजें क्लियर हो गई तो अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राम सभा के बारे में बताऊंगी, ठीक। बहुत सारे बच्चों को इसको लेकर के कंफ्यूजन होता है, जो आज की क्लास में आपका एकदम क्लियर हो जाने वाला है, देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। ग्राम सभा की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर 243A से लेकर के 243A पहले में ही आपके ग्राम सभा के बारे में चर्चा है, लेकिन ए में कितने आर्टिकल्स में इसको बांटा गया बच्चे? तो आप बताएंगे 243A के अंतर्गत आर्टिकल 3 से लेकर के 7 तक, यहाँ तक आप जाएंगे, 3 से 7 तक आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ग्राम सभा के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक बात क्या। यहाँ तक बातें हमारी क्लियर? अब समझिए, पंचायती राज व्यवस्था की जो बुनियादी और स्थायी इकाई है, यह आपका ग्राम सभा है। डायरेक्ट आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी बोल दो या फिर स्थायी बोल दो। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, जो कि चेंज नहीं होता है। तो स्थायी इकाई कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था की स्थायी इकाई कौन सी है, या पूछ देगा पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई कौन सी है, तो आपको बताना है आपका ग्राम सभा है, ठीक बात क्या। अब थोड़े से प्रावधान की चर्चा करेंगे। 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 क में, किसमें? 243 क में प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक बात क्या। दूसरा, ग्राम पंचायत के अधीन, ग्राम पंचायत के अधीन प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होगी। अब मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ ग्राम सभा के बारे में। तो अब एक बात बताओ, क्या ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एक है? आपको क्या समझ में आया है, क्या ग्राम पंचायत और ग्राम सभा एक होता है? जल्दी से बताइए आपको क्या लग रहा है। तो जी, अभी हमने जस्ट चर्चा किया कि ग्राम पंचायत किसको बोलेंगे बेटा, तो ग्रामीण लेवल पर जो पंचायत की व्यवस्था होती है उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं,
ठीक, तो एक बात ये क्लियर हुई। अब ग्राम सभा किसको बोलोगे? तो समझो 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 क में ये बात क्लियर किया गया है कि ग्राम पंचायत, जो गांव में पंचायत की व्यवस्था होती है, तो उस ग्राम पंचायत के अधीन जितने भी ग्राम आते हैं, अब उस ग्राम पंचायत के अधीन जितने ग्राम आते हैं, इसका मतलब क्या समझ में आया? तो होता है कि एक बड़ा गांव होता है और उस बड़े गांव के अंदर में छोटे 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 बहुत सारे गांव आते हैं, जिसको आप आश्रित ग्राम कह सकते हैं। तो एक ग्राम पंचायत के अधीन जितने भी गांव आते हैं, तो वहां क्या होती है? ग्राम सभा होती है। बात समझ में आई? तो प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होती है। तो यहां से एक लाइन समझ में आई क्या? कि हर गांव में ग्राम पंचायत नहीं होता है। ग्राम पंचायत कैसे होता है बेटा? तो दो चार पांच छह 10 गांव को आपस में, छोटे छोटे गांव को आपस में मिला करके कोई एक बड़ा सा जो गांव है वहां पर पंचायत की व्यवस्था होती है, जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। हर एक गांव में ग्राम सभा होगा, लेकिन हर एक गांव में ग्राम पंचायत नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे गांव को मिला करके एक बड़े से गांव में हमने ग्राम पंचायत को बनाया हुआ है, लेकिन ग्राम सभा हर गांव में होती है। बात समझ में आएगी आपने को बच्चे? चले, अनुसूचित क्षेत्र की अगर थोड़ी सी बात कर लूं मैं, तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का गठन धारा 129 क ख ग में वर्णित है। ठीक बात, तो ये भी हमको समझ में आ गया। क्या बोला गया? तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बारे में कहां पर चर्चा किया गया है? तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का जो गठन है वो धारा 129, किसमें बच्चे? धारा 129 के क ख ग, इन तीनों जगह पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बातें क्लियर? अब देखो अधिसूचना की थोड़ी सी मैं बात करती हूँ। यहाँ जो अधिसूचना है, पंचायती राज की जो अधिसूचना है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे, राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर रहा। सदस्य की बात करते हैं, थोड़ा सा समझना, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सदस्य के बारे में आपको क्या याद रखना है बच्चे? तो देखिए, ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित समस्त व्यक्ति होंगे। अब ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे, वापस एक बार रिकॉल करवा रही हूँ, ध्यान रखना। ग्राम पंचायत कैसे बनता है बेटा? तो छोटे 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 बहुत सारे गांव से मिलकर के आपका ग्राम पंचायत बनता है। ग्राम सभा हर गांव में आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ग्राम पंचायत हर गांव में नहीं होती है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक बात बताया गया कि ग्राम सभा के जो छोटे छोटे, हर गांव में जो ग्राम सभा होता है, आखिर इसके सदस्य कौन होंगे? तो समझो, जो छोटे छोटे गांव में भी आपका ग्राम सभा होता है, उसके जो सदस्य ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में नामित सदस्य व्यक्ति होंगे। अब देखो, छोटे छोटे गांव ने आपस में मिलकर के क्या किया? एक ग्राम पंचायत बनाया। अब ग्राम पंचायत में जब चुनाव होगा तो सारे गांव के लोग जाएंगे वोट देने के लिए, छोटे छोटे गांव के लोग भी आएंगे, आसपास के एरिया के लोग, किस लिए? वोट देने के लिए। तो आसपास के एरिया के लोग जो मत देने के लिए आए हैं ना, वही आपके कौन होंगे? तो ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। ठीक बात क्या? तो ग्राम सभा के सदस्य कौन कहलाते हैं बेटा? तो वे समस्त लोग जिनका नाम ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज होता है। क्लियर बातें? गांव में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हो। क्लियर बातें हो गई हमारी क्या? तो ग्राम पंचायत का जब भी चुनाव होगा, जितने आसपास के गांव के लोग हैं, ये सारे के सारे जाएंगे। किस लिए जाएंगे बेटा? वोट देने के लिए जाएंगे, है ना? तो वही आपके ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर से एकदम डाउट क्लियर हो गया। ठीक बात, अब नोट करके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखे हैं। क्या पॉइंट बताया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत के किसी एक गांव में क्या बोला जा रहा है बेटा? अनुसूचित क्षेत्र की अगर मैं बात करती हूँ, तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत के किसी एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। क्लियर बात है? ये बात क्या क्लियर हो गई हमको? चलिए दूसरी बात देखेंगे, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत के किसी एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। छोटे छोटे गांव है, बड़े बड़े गांव है, तो ज्यादा ग्राम सभा की व्यवस्था कर दी गई। छोटा छोटा गांव है, तो छोटे छोटे गांव में एक आठ ग्राम सभा हो जाता है। ठीक बात, अब दूसरा देखो, ग्राम सभा मतलब आप क्या समझते हो? ग्राम सभा तो बोल रहे हैं हम, तो ग्राम सभा का मतलब आप क्या समझते हैं? तो देखिए, किसी भी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाला गांव के सभी मतदाता निर्वाचक, जिनका नाम किसमें है? नामावली में है ना, तो ये व्यक्तियों का जो समूह होता है, इनसे मिलकर जो सभा बनती है, उसे भी हम ग्राम सभा कहते हैं। क्या बात क्लियर हुई? ग्राम सभा किसको कहा जाता है बेटा? तो गांव के वे समस्त सदस्य जो ग्राम पंचायत के लिए वोट दे सकते हैं। ठीक, तो इनको ही क्या कहा जाता है? इनसे मिलकर के ही आपका ग्राम सभा बनता है। तो ये बात भी हमारी एकदम क्लियर रही। चलिए अब आगे बात करेंगे, अगला क्या कहा जा रहा है।
अगला प्रश्न है, सम्मेलन के लिए तिथि स्थान समय का निर्धारण। तो यहाँ पर से हमको क्लियर हो गया कि ग्राम पंचायत क्या होता है और ग्राम सभा क्या होता है। हमने समझ लिया कि छोटे 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 बहुत सारे गांव को मिला करके एक पंचायत की व्यवस्था करते हैं एक बड़े से गांव में, तो उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। लेकिन ग्राम सभा हर एक गांव में होती है। अगर कोई बहुत बड़ा गांव है तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे ग्राम सभा भी हो सकते हैं, दो तीन चार भी हो सकते हैं। ठीक बात, तो ये पार्ट पॉइंट हमारा क्लियर रहा। अब हम बात करेंगे सम्मेलन के लिए तिथि। अब मीटिंग होगी, जब पंचायत है तो मीटिंग भी करना पड़ेगा, मीटिंग के लिए तिथि भी रखना पड़ेगा, स्थान भी रखना पड़ेगा कहाँ पर होनी है भाई, है ना। इसका निर्धारण कौन करता है? तो याद रखेंगे ग्राम सभा, सभा की बात हो रही, पंचायत की बात नहीं हो रही है। तो ग्राम सभा में जो सम्मेलन है इसकी जो तारीख है, स्थान है या समय, इसका निर्धारण करने का अधिकार सरपंच को होगा। ठीक बात, तो ग्राम सभा के लिए अगर मान लीजिए कभी भी क्या करना है, सम्मेलन होना है, तो इसके लिए निर्धारण कौन करता है बेटा? तो इसके लिए जो निर्धारण है वो आपका सरपंच करता है। या फिर मान लो सरपंच नहीं है तब, तो अगर सरपंच नहीं है तब उप सरपंच करता है, और दोनों नहीं है तब, तो सरपंच और उप सरपंच दोनों नहीं है तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है इसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है कि मीटिंग कब होगी, मीटिंग कहाँ पर होती होगी, मीटिंग किस प्रकार से होगी। ये बात भी हमारा एकदम क्लियर रहा। चलिए अब सम्मेलन की अध्यक्षता की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सम्मेलन की अध्यक्षता के बारे में क्या कहा जा रहा है ध्यान देंगे। देखिए सम्मेलन की अध्यक्षता सामान्य क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं सम्मेलन किस प्रकार से होती है, और अनुसूचित क्षेत्र में सम्मेलन किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहली बात, अगर हम सामान्य क्षेत्र की बात करते हैं तो सामान्य क्षेत्र में जो मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता कौन करता है बच्चे? तो सामान्य क्षेत्र में जो मीटिंग होती है इसकी अध्यक्षता आपके सरपंच करते हैं। ये बात हमने अभी जस्ट किया। मान लीजिए सरपंच नहीं है तो आपका उप सरपंच करेगा, और मान लो उप सरपंच भी नहीं है तब क्या यहाँ पे सचिव आएगा? नहीं, सचिव सिर्फ स्थान जगह निर्वाचन कर सकता है, ठीक है, मतलब निर्धारित कर सकता है, पर अध्यक्षता करने का अधिकार उसको नहीं होता। सरपंच ही अध्यक्षता करेगा, अगर सरपंच नहीं तो उप सरपंच करेगा, और दोनों ही नहीं है तो उपस्थित सदस्य में से बहुमत से निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। बात क्लियर हुई क्या? जितने भी सदस्य वहां पर रहेंगे वो आपस में मत देंगे कि भाई इसको अभी के लिए अध्यक्ष बना देते हैं मीटिंग का, ऐसा, तो उसको फिर अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्लियर बात है? तो निर्वाचित सदस्य के द्वारा उपस्थित सदस्य में से जो जिसको भी वो चुनेंगे फाइनली लास्ट में वो अध्यक्षता करता है। सचिव कहाँ पर होगा? सिर्फ मीटिंग का जगह, मीटिंग का समय निर्धारित करने के लिए आपका सचिव यहाँ पर आ सकता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद। लेकिन अध्यक्षता की जहां पर बात आएगी, आप याद रखेंगे अध्यक्ष रहेगा, उपाध्यक्ष रहेगा, या फिर वे सारे अपने में से किसी एक, ये दोनों अगर नहीं है तो ये सारे अपने में से किसी एक को चुनते हैं अध्यक्षता करने के लिए। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब आगे बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्र का। तो अनुसूचित क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था होती है बच्चे? तो ध्यान देंगे, अनुसूचित जनजाति का ऐसा व्यक्ति जो सरपंच, उप सरपंच या पंच ना हो। आप समझो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में भी तो मीटिंग हो रही है, तो अनुसूचित क्षेत्र में जब मीटिंग होगी तब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो बताएंगे अनुसूचित जनजाति का ऐसा व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का ऐसा व्यक्ति जो सरपंच, उप सरपंच या पंच ना हो। क्लियर हुई बात? जो सरपंच ना हो, उप सरपंच ना हो या पंच ना हो, वह उपस्थित सदस्य के बहुमत से ही चुना गया हो। तो दोनों जस्ट उल्टा है। अगर जनजातीय क्षेत्र में पंचायत की व्यवस्था है तो वहां पर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर पंच सरपंच लोग अध्यक्षता नहीं करते, ये सारे उपस्थित होंगे, और सब उपस्थित है तो ये अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, तो वहां पर फिर वो अध्यक्षता करता है। लेकिन यहाँ पर फिक्स है कि अगर सरपंच तो सरपंच करेगा, नहीं तो उप सरपंच, नहीं तो फिर ये सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर बात है? अब चलिए थोड़ी सी बैठक की बात करते हैं कि अगर बैठक होगी तो किस प्रकार से होगी। हम दो चीजों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, हमें सामान्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि सामान्य क्षेत्र में मान लो मीटिंग हो रही है, और एक विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में अगर मीटिंग हो रही है तो किस प्रकार से होती है। क्लियर हो रही है बात हमारी? चलिए अब देखेंगे सम्मेलन और बैठक की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो समझेंगे ग्राम पंचायत, अब मैंने बोला पंचायत, अभी तक हम ग्राम सभा की बात कर रहे थे, तो ग्राम सभा में हम मीटिंग किस प्रकार से होगी हम उसकी चर्चा कर रहे थे। अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत का बैठक कैसे होता है, सम्मेलन कैसे होता है। तो समझो ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितना भी गांव आ रहा है बेटा, तो उन समस्त गांव में क्या किया जाएगा, ग्राम सभा का सम्मेलन किया जाएगा। प्रत्येक 3 माह में, का प्रत्येक 3 माह में
कम से कम एक बार, एक साल में 6 बार निम्न अनिवार्य सम्मेलन जरूरी है। बात क्लियर हुई? पंचायत की हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत का सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ग्राम पंचायत का जो सम्मेलन है वो ग्राम सभा के अंतर्गत जितने भी पंचायत आ रहे हैं, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे गाँव आ रहे हैं, उन सभी जगह पर ग्राम सभा का सम्मेलन होता है। ठीक, अब ये सम्मेलन कितने बार होगा? तो क्लियर किया गया, प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार, मतलब तीन तीन महीने में एक बार होना जरूरी है। तो जब 3 महीने में एक बार हो रहा है, मतलब आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं 6 महीने में कितने बार होना जरूरी है? तो एक साल में कम से कम 6 बार होना आपका जरूरी है। क्लियर बात? प्रत्येक 3 महीने में एक बार करूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साल में कम से कम 6 बार होना चाहिए। प्रत्येक 3 महीने में एक बार, लेकिन प्रत्येक एक साल में कम से कम 6 बार ये जो सम्मेलन है ये आयोजन किया जाता है। और इसके लिए फिक्स्ड है कब कब होगा, तो एक जो होगा, मैं पूरा 6 का नाम बताती हूँ ना कि कौन कौन से महीने में ये डिसाइडेड रहता है। तो सबसे पहले आपका फिक्स है कि 23 जनवरी, जनवरी शुरू हो गया, नया साल आ गया हमारा, तो नए साल के 1 तारीख को मीटिंग नहीं होगी, नए साल के 23 जनवरी का डेट फिक्स रहता है। दूसरे नंबर पर आप याद रखेंगे जनवरी के बाद, जनवरी गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने के बाद आया आपका अप्रैल, तो अप्रैल में कौन सा अप्रैल, तो 14 अप्रैल का डेट फिक्स है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, 3 महीना गया अगस्त, 20 अगस्त को डेट फिक्स है कि 20 अगस्त को मीटिंग होनी है। अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, अब यहाँ पर जल्दी जल्दी होगा क्योंकि 6 को पुराना है ना हमको, तो 2 महीने के बाद ही 2 अक्टूबर को आपका मीटिंग होना है। उसके बाद जून में जाएंगे तो जून में फिक्स नहीं रहता है कौन से तारीख को होना है, जो भी डेट वो लोग सही लगे उस तारीख को ये लोग कर सकते हैं जून में। ठीक है, तो पहले अक्टूबर में हो, उसके बाद सीधा जून में, जून के बाद आपके नवंबर माह में होगा, और ये भी फिक्स नहीं है कि कितनी तारीख को होगा, लेकिन बाकी डेट आपके फिक्स हैं। तो इस प्रकार से कम 6 बार मीटिंग होनी जरूरी है, और जो डेट फिक्स है उसी डेट में होगा, और जो डेट फिक्स नहीं है वो अपने हिसाब से वो लोग फिक्स कर लेते हैं। ठीक बात? चलिए, तो उपरोक्त 6 तिथि में ग्राम का सम्मेलन होना अनिवार्य है। जो 6 तिथि फिक्स की गई है यहाँ पर ग्राम का सम्मेलन होना बहुत जरूरी है, किंतु प्रत्येक वर्ष में 6 सम्मेलन आवश्यक है, याद रहेगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी आपके क्या आते हैं गांव आते हैं, वहां पर ये लोग चूज करेंगे, सचिव का काम है, अध्यक्ष का काम है, उपाध्यक्ष मतलब सरपंच और पंच का काम है कि वो एक जगह चूज करें कि आज कौन से गांव में सम्मेलन होना है, आज उस गांव में होना है, उस आज उस गांव में होना है। तो इस प्रकार से पूरे साल में कम से कम 6 बार ये मीटिंग जरूरी है, अब वो जहां पर करना चाहे। क्लियर बात? अब विशेष बैठक ये तो सामान्य बैठक हो गया आपका, हम सामान्य बैठक की बात कर रहे थे कि कम से कम साल में 6 बार होना जरूरी है। विशेष बैठक का क्या सीन है यहाँ पर देखो थोड़ा सा। तो विशेष बैठक की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ग्राम सभा के, मैंने बोला ग्राम सभा के, तो ग्राम सभा में कौन आते हैं? तो ग्राम सभा में वे सदस्य आते हैं जो कि मतदान कर सकते हैं। किसके लिए मतदान कर सकते हैं? तो ग्राम पंचायत के लिए वोट डाल सकते हैं, मतलब 18+ वाले। ठीक, तो ये ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम विशेष बैठक का। तो समझो, ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का, ठीक, ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य के द्वारा लिखित में मांग की जानी चाहिए। अब ग्राम सभा में जितने भी सदस्य आपके आ रहे हैं जो मतदान करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनका कम से कम 1/3 बहुमत होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, ये विशेष बैठक बुलाया जाता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि ग्राम सभा का विशेष बैठक का नियम क्या है। तो जितने भी ग्राम सभा में सदस्य हैं उनके 1/3 लोग अगर लिखित रूप में साइन करके देते हैं कि हमको विशेष बैठक चाहिए, तब फिर विशेष बैठक होती है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर के द्वारा, जनपद की बात कर रही हूँ मैं, छोटा लेवल छोड़ दो, ब्लॉक लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो जनपद पंचायत के द्वारा या जिला पंचायत के द्वारा या फिर कलेक्टर के द्वारा आदेश किए जाने पर, किसके द्वारा आदेश किए जाने पर, तो 30 दिन के भीतर ही ग्राम सभा का सम्मेलन करना आवश्यक है। बात समझ में आई क्या? अगर मान लीजिए नीड महसूस हो रही है कि विशेष बैठक का आयोजन करना, इमरजेंसी बैठक जरूरी है, तो जितने भी ग्राम सभा के सदस्य हैं वो क्या करेंगे, 1/3 सदस्य कम से कम सिग्नेचर के साथ में आवाहित करेंगे कि हमको विशेष बैठक चाहिए। अब जब 1/3 सदस्य ने साइन कर दिया, मतलब वो बैठक होना जरूरी है। अब उसके बाद फिर आपका जिला पंचायत हो या फिर आपका जनपद पंचायत हो या फिर कलेक्टर हो, फिर ये क्या करेगा, ये आदेश करेगा कि भाई 30 दिन के अंदर ही मीटिंग हो जानी चाहिए। तो जिस दिन हस्ताक्षर करके आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उस दिन के बाद 30 दिन के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर ये विशेष बैठक हो जाएगा। कब होगा इसका कोई फिक्स नहीं है, जब भी लगे इंपॉर्टेंट है कि करना पड़ेगा मीटिंग, उस दिन ये मीटिंग आयोजित हो जाएगी। क्लियर बात है? चलिए थोड़ी सी बैठक की बात करते हैं, बैठक के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो समझना, ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की सूचना, किसकी बात हो रही बच्चे, ग्राम सभा की बात हो रही है। तो ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की सूचना
7 दिन के पूर्व दी जाएगी। ठीक बात। रामसभा के प्रत्येक विशेष बैठक की सूचना हमने क्या बात किया, विशेष बैठक की सूचना 1 महीना पहले देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 महीना के अंदर में फिर क्या होगा, आपके विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ग्राम सभा की बैठक की बात हो रही है, तो देखो ग्राम सभा का अगर बैठक है तो इसकी सूचना आपको 7 दिन पहले देना पड़ेगा। दूसरा, यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी कर सकता है, बुलाने वाले काम में सचिव को अधिकार है ना। और ग्राम सभा की जो प्रत्येक बैठक होगी, हमने चर्चा किया ना, सामान्य रूप से 6 बैठक होती है, तो ये जो 6 बैठक होगी उसकी सूचना 7 दिन पहला देना जरूरी है। यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष बैठक ना बुलाए, मान लीजिए ब्लॉक लेवल पर चले गए हम, और ब्लॉक लेवल पर मान लो जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है अब वो नहीं बुलाना चाह रहा मीटिंग, तब उस कंडीशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांव लेवल पर तो आपका कौन होता है, सचिव होता है, लेकिन जनपद लेवल पर कौन होता है, तो जनपद लेवल पर आपके अध्यक्ष होंगे। मान लीजिए अध्यक्ष नहीं बुलाता, अब अगर अध्यक्ष नहीं बुलाया तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है बेटा, जो कि सम्मेलन की सूचना जारी कर सकता है। क्लियर बातें? तो एकदम जरूरी जरूरी पॉइंट है, सिर्फ उसी को इंक्लूड किया गया है, तो आपके एक भी पॉइंट को स्किप करने के बारे में सोचना भी मत। ठीक बात। अब थोड़े से हम बात करेंगे संयुक्त बैठक के बारे में, संयुक्त बैठक की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई, और क्यों बुलाना पड़ता है, तो समझो आखिर संयुक्त बैठक कब बुलाएंगे। तो समझना, जब दो या दो से अधिक ग्राम सभा के मध्य विवाद हो जाए तब संयुक्त बैठक बुलाना पड़ता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि बहुत सारे गांवों को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बनता है। अब ग्राम पंचायत के अंदर में मान लो 5 गांव आ रहे हैं, ठीक बात, तो जो सबने एक सबकी एक ही राय है, लेकिन 2 गांव फंस गए, दोनों जो गांव है वो अलग अलग राय दे रहे हैं, या 2 गांव के बीच में बहस हो गया। अब उस 2 गांव में सुलह करवाना किसकी जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, क्योंकि ग्राम पंचायत इन 5ों गांव से मिलकर के बना हुआ है। तब उस कंडीशन में इन 2 गांव को एक साथ बुलाया जाएगा और इनका संयुक्त बैठक करवाया जाता है। तो क्लियर रहेगा क्या? तो याद रखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक ग्राम सभा के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तब संयुक्त बैठक बुलाना पड़ता है। तो कब बुलाना पड़ता है, ये क्लियर हुआ हमारा। दूसरा बताएंगे शामिल कौन कौन होता है। अब ये जो संयुक्त बैठक बुलाया गया है इसमें शामिल कौन कौन होंगे, तो बताएंगे एक तो ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभा के बैठक में बुलाया जाएगा, ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभा को बैठक में बुलाया जाएगा। तो संयुक्त बैठक जब होगा तो ऐसा नहीं है कि जिन 2 ग्राम सभा के बीच में मतभेद हो रहा है सिर्फ उन्हीं को मिलाकर संयुक्त बैठक कर दी, ऐसा नहीं। ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी ग्राम सभा आ रहे हैं, चाहे 4 गांव है, चाहे 5 गांव है, चाहे 6 गांव है, ठीक है, जितने भी ग्राम सभा आ रहे हैं उन सभी ग्राम सभा के सदस्यों को बुलाया जाएगा उस मीटिंग में पार्टिसिपेंट करने। क्लियर बातें? अब विशेष क्या है इसमें, तो संयुक्त बैठक की विशेषता यह है, खास बात यह है जानने लायक कि इस बैठक में लिया गया निर्णय समस्त ग्राम सभा का सामूहिक निर्णय माना जाएगा। ठीक, अब संयुक्त बैठक हुआ, यहाँ पर कोई डिसीजन हुआ, तो अब वहां पर आप नानुकूल नहीं कर सकते, आपको मानना ही पड़ेगा, और संयुक्त बैठक में जो भी निर्णय लिया गया है ये संपूर्ण ग्राम सभा को मानना ही पड़ेगा। क्लियर बात है? तो ये पॉइंट में हमको समझ में आ गया कि भाई संयुक्त बैठक भी बुलाया जा सकता है ना। अब हम आगे बात करेंगे थोड़े से गढ़पूर्ति के बारे में, गढ़पूर्ति बोल दो चाहे आप कोरम बोल दो। अब गढ़पूर्ति क्या होता है, कोरम क्या होता है, तो देखिए वह न्यूनतम जनसंख्या जिसकी उपस्थिति में पंचायत के कार्य शुरू किए जा सकते हैं गढ़पूर्ति कहलाता है। अब देखिए मान लीजिए एक गांव में ग्राम सभा है जहां पर मीटिंग रखी गई है और मीटिंग में कम से कम 20 सदस्य की जरूरत है। अब अगर 20 सदस्य मान लो सारे के सारे नहीं पहुंच पाए तब तो एक फिक्स रहता है कि कम से कम 7 लोगों को, कम से कम 5 लोगों को तो आना पड़ेगा। ठीक, अब अगर ये 5 लोग आ जाते हैं तो ये लोग आराम से मीटिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 लोग भी नहीं आए तब तो फिर मीटिंग नहीं। तो कम से कम संख्या में जब लोग उपस्थित होते हैं तो वही आपकी गढ़पूर्ति कहलाती है, जिनके आधार पर हम मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो गढ़पूर्ति क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखो कुल सदस्य का संख्या कितना होता है, तो गढ़पूर्ति की जब भी बात आएगी आप याद रखेंगे बेटा 1:10। ठीक है, 1:10 का मतलब मैं अभी मैथ्स पढ़ा रही हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि टोटल अगर आपका 10 है ना, तो कम से कम इसका 1 भाग वहां पर मौजूद होना चाहिए। 10 भाग है मान लीजिए, तो इस 10 भाग से कम 1 भाग वहां पर मौजूद होना चाहिए। ठीक बात क्या, मतलब मान लीजिए टोटल 100 लोग, तो इस 100 में से कम 10 लोग यहाँ पे मौजूद होने चाहिए, आदमी की बात कर रही हूँ। तो क्लियर हो गई क्या, तो 1/10 लोग कम से कम वहां पर मौजूद होना चाहिए, और यही आपका गढ़पूर्ति कहलाता है, जिसमें 1/3 आपकी महिला होनी चाहिए। अब एक, ठीक है, 1/10 मांश बोलते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, 1/10 बोलते हैं या 1/10 मांश कहते हैं। तो गढ़पूर्ति का मतलब होता है 1/10 मांश कम से कम उपस्थित होना चाहिए, और फिक्स है कि इस 1/10 मांश में भी 1/3 आपकी महिला उपस्थित होनी चाहिए। ग्राम सभा में मान लो गढ़पूर्ति का उत्तरदायित्व किसके ऊपर रहता है, तो ग्राम सभा है तो गढ़पूर्ति तो जरूरी है। अब ये गढ़पूर्ति का जो उत्तरदायित्व है वो संबंधित जो ग्राम पंचायत है इसके सरपंच और पंचों दोनों का,
बात समझ में आई? तो ग्राम सभा की मीटिंग होनी है, सरपंच मीटिंग करने वाला है, तो यहाँ पर गढ़ पूर्ति जरूरी है। तो गढ़ पूर्ति करवाने की जो जिम्मेदारी है वो सरपंच और पंच दोनों की होती है। तो ये बात भी हमारी क्लियर। तो गढ़ पूर्ति में कितना रखा गया, तो बताएंगे 10 मांस होना चाहिए, एक तिहाई इसमें भी आपकी महिला होनी चाहिए। चलिए अगला क्या कहा जा रहा है, देखिए अगला है अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के किसी भी बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या एक तिहाई से अधिक होनी चाहिए, जिसमें एक तिहाई आपकी महिला सदस्य होनी चाहिए, ठीक है, और होने पर ही आपकी गढ़ पूर्ति मानी जाती है अनुसूचित क्षेत्र में, क्योंकि कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर गढ़ पूर्ति कितनी मानी जाती है, तो याद रखेंगे ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या का कम से कम एक तिहाई से ज्यादा लोग मौजूद हो, और एक तिहाई महिला ही होनी चाहिए। अब उसके बाद जब एक्स्ट्रा है वो पुरुष में हो तो चलेगा, तो कम से कम एक तिहाई से ज्यादा होना चाहिए, ठीक बात। अब मान लीजिए गढ़ पूर्ति ना हुआ, तब ये तो गढ़ पूर्ति की बात होगी और सरपंच और पंच इसके लिए जिम्मेदार है कि उनको गढ़ पूर्ति करना पड़ेगा। लेकिन मान लो गढ़ पूर्ति नहीं हुई तब क्या होगा, तो आप बताएंगे अगर मान लीजिए गढ़ पूर्ति ना हुई तो गढ़ पूर्ति ना होने पर स्थगन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यदि बैठक में कोरम पूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष के द्वारा बैठक स्थगित किया जाता है एवं आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। मान लीजिए गढ़ पूर्ति नहीं हुआ, जितने लोग चाहिए उतने लोग मौजूद नहीं हो पाए, तो उस कंडीशन में मीटिंग को रोक दिया जाता है कि भाई आज मीटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि आज हमारा कोरम पूर्ण नहीं हुआ, या फिर आज हमारी गढ़ पूर्ति नहीं हुई इस वजह से मीटिंग आज नहीं हो पाएगी, ऐसा, ठीक है। और क्या होगा, तो उस मीटिंग में नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसकी डेट फिक्स कर दी जाती है कि अगले महीने के फलाने तारीख को ये मीटिंग होना है, क्लियर। स्थगन के बाद की जो बैठक है या सम्मेलन है यहाँ पर फिर कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं है, परंतु इस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। अब मान लीजिए आपने डेट फिक्स किया कि अगले महीने के फलाने तारीख को अभी मीटिंग होगी, तो आप क्या करेंगे, अगले महीने जो मीटिंग होगा अब यहाँ पर कोरम पूर्ति की जरूरत नहीं है, जितने लोग भी हैं उतने लोग बैठ करके अपना मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नियम बताया गया कि पिछली मीटिंग में जिस मुद्दे पर आपको बात करना था, जिसके लिए मीटिंग रखी गई थी, उसी मुद्दे पर ही आप बात करेंगे, कोई नया टॉपिक आप नहीं ला सकते, क्लियर बात। तीसरी बात, इसके अलावा निम्न 5 विषय पर भी आप चर्चा, मतलब इसके अलावा निम्न 5 विषय पर भी चर्चा नहीं की जा सकती है। तो कौन कौन से विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है, तो आप बताएंगे एक तो वार्षिक कार्य योजना पर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, हितग्राहियों का चयन कैसे हो, मतलब किसको किसको लाभ मिले, वार्षिक बजट पर चर्चा नहीं होगी फिर इसमें, और लेखा सह परीक्षा प्रतिवेदन पर भी आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, और वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाता है आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 जो सब्जेक्ट रहेंगे इस पर फिर आप कोरम अगर नहीं पूर्ति हुआ है उसके बाद जो मीटिंग हो रही है उसमें इन सभी बातों पर आप चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये फिक्स है, ठीक बात। चलिए अगला देखिए, इन सब विषयों पर गढ़ पूर्ति होने पर ही संकल्प तो पारित किया जाएगा। ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है, ये पॉइंट डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा गया था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैडम जी ये 5 विषय पर क्यों बात नहीं होता, इसलिए बेटा क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स है यहाँ पर गढ़ पूर्ति नहीं भी होती है ना तब भी कोई भी निर्णय ले सकते हैं, छोटा मोटा अगर टॉपिक है तब, ये बड़े बड़े टॉपिक है, ठीक है, कि आपका वार्षिक कार्य योजना किस प्रकार से होगा, मतलब पूरे साल भर का आपको प्लान बनाना है यहाँ पर, या फिर हितग्राहियों का चयन कि किसको किसको कौन कौन से योजना के अंतर्गत लाभ देना है, वार्षिक बजट कितना आएगा, मतलब हमको साल भर में क्या क्या काम करवाना है तो उसके लिए कितना पैसा हमको चाहिए जो हमको सरकार से लेने हैं, ठीक। लेखा सह परीक्षा का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, इसके अलावा वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट जो बनानी, तो ये बड़े बड़े काम है, बड़े बड़े काम मतलब जितने भी सदस्य उन सबकी सहमति वहां पर जरूरी है और सबको वहां पर उपस्थित होना जरूरी है, तो सारे लोग जब उपस्थित होते हैं तब इन 5 टॉपिक्स पर बात होती है, इसीलिए इन 5 टॉपिक पर तभी बात होगी जब गढ़ पूर्ति हो, अगर गढ़ पूर्ति नहीं है तब इन 5 टॉपिक पर आप बात नहीं कर सकते हैं, छोटी मोटी चर्चा भी आप भले ही कर सकते हो अगर गढ़ पूर्ति नहीं है तो। इसके अलावा जो लास्ट लाइन मैंने अभी बताया वो आपको याद रखना है कि ग्राम सभा की, ओह रुक जा भाई रुक जा, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ग्राम सभा की साधारण बैठक में क्या होता है, तो ग्राम सभा की जो साधारण बैठक है इसमें ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है, क्लियर बातें। ग्राम सभा की जो साधारण बैठक होती है बच्चे, तो साधारण बैठक में ही ग्राम पंचायत का बजट को क्या किया जाता है, पारित किया जाता है, ये पॉइंट भूलना मत, पूछा जाता है बार बार रिपीट हुआ है कि ग्राम पंचायत का बजट किसमें पारित किया जाता है, आप बताएंगे ग्राम पंचायत का जो बजट है बच्चे वो ग्राम सभा की साधारण बैठक में ही पारित किया जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर। क्या बात है, गुड इवनिंग समिता, गुड इवनिंग स्मिता है क्या, समिता है कि स्मिता है, समिता है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमको समझ में आ चुका है। चलिए अब बात करेंगे गढ़ पूर्ति न होने पर कैसी कार्यवाही होगी। अब मान लीजिए गढ़ पूर्ति होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर गढ़ पूर्ति ना हुई तब क्या होगा, तो मान लो गढ़ पूर्ति नहीं
नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक में कोरा पूर्ति न होने पर जो संबंधित पंच है और जो सरपंच है इनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया जाएगा तथा 2 आगामी ग्राम सभा में कोरम पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। फिर भी कोरम पूर्ति न होने पर उनको पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मानो मैडम जी पहली बार जो मीटिंग होनी है उसमें कोरम पूरा नहीं हुआ, दूसरा बार जो मीटिंग होनी है उसमें मान लो कोरम पूरा नहीं हुआ, तीसरी बार जो मीटिंग होनी उसमें मान लो कोरम पूरा नहीं हुआ, तब क्या होगा? तो यही चीज यहाँ पर क्लियर किया गया कि मान लीजिए लगातार 3 बैठक में गणपूर्ति नहीं हो पाती है, लगातार 3 बैठक में मान लो कोरम पूर्ति नहीं हो पाती है, तब अब क्या होगा? जो सरपंच और पंच है जो जिम्मेदार है कोरम पूर्ति करने के लिए, तो सरपंच और पंच को नोटिस भेजा जाएगा कि आगामी 2 मीटिंग में अगर आप कोरम पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। अब अगले बार फिर से जब 2 बार मीटिंग होगी और इस मीटिंग में भी अगर आपका कोरम पूर्ति नहीं हो पाता है तो फाइनली सरपंच और पंच दोनों को ही पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। समझ में आई बात? क्योंकि जिम्मेदारी किनकी होती है बेटा? इनकी होती है। एक काम तो ये हुआ, दूसरा क्या होगा? तो ये याद रखना कि शुरू के 3 बार अगर गणपूर्ति नहीं हो पाता है तो पहले नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस में क्या लिखा होगा कि आगामी 2 चांस और दे रहे हैं हम आपको, इसमें आप गणपूर्ति करके दिखाओ, अगर इसमें भी नहीं होता तब हम आप पर कार्यवाही करेंगे। ठीक बात। नेक्स्ट है, लेकिन किसी भी अधिकारी के द्वारा सरपंच के खिलाफ तब तक आदेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक उसे सुनवाई का उचित अवसर ना दिया जा सके। अब मान लो जो सरपंच है वो पांचों के पांचों मौके में गणपूर्ति नहीं करवा पाया, तो ऐसा नहीं है कि आप 21 बार में सरपंच के ऊपर कार्यवाही कर दोगे कि 5 बार कोरम पूर्ति नहीं कर पाया तो उसको हम उसके पद से हटा दे ना, पहले आपको सरपंच की भी बात सुननी पड़ेगी, उसको सुनवाई का मौका देना पड़ेगा कि भाई तुमने गणपूर्ति क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम थी, ऐसा क्या हो गया था। फिर वो अपने रीजन देगा, अगर मान लीजिए उसके रीजन से आप सेटिस्फाइड हो गए तब तो सरपंच बच गया और अदरवाइज उसको आप उसके पद से हटा सकते हैं, लेकिन सुनवाई का मौका जरूर से देना। क्लियर बात है? तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में भी आ चुकी होगी, है ना। अब हम बात करेंगे वार्षिक सम्मेलन के बारे में कि वार्षिक सम्मेलन किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है कि वार्षिक सम्मेलन आखिर किस प्रकार से होता है। तो देखिए वार्षिक सम्मेलन ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, तो फिर से मेरे को रिकॉल करवाना पड़ेगा क्या ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में ग्राम पंचायत किसको कहते हैं बेटा? तो बहुत सारे गांव आपस में मिलकर के एक बड़े गांव में पंचायत की व्यवस्था करते हैं तो हम इसको ग्राम पंचायत कहते हैं, और ग्राम सभा हम किसको कहेंगे? तो हर एक गांव में छोटा 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 सभा होता है उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वार्षिक सम्मेलन का, किसके वार्षिक सम्मेलन का? तो ग्राम पंचायत के वार्षिक सम्मेलन का। तो समझो मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा सबसे पहली बार ये जो वार्षिक सम्मेलन है, वार्षिक सम्मेलन मतलब बेटा साल में एक बार जो सम्मेलन होता है इसको कहते हैं वार्षिक सम्मेलन। तो ऑब्वियस सी बात है अगर पूरे साल में एक बार सम्मेलन आयोजन हो रहा है तो किसी अच्छे जगह पर होगा, तो याद रखेंगे जो मुख्यालय होगा वहीं पर ये जो वार्षिक सम्मेलन है ग्राम पंचायत का वो आयोजित होता है। एक बात तो क्लियर हो गई, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के जैसे ही वित्तीय वर्ष आपका समाप्त हुआ कम से कम 3 महीने पहले ही आयोजित किया जाएगा जिसमें निम्न मुद्दों पर चर्चा होगी। अब ये जो वार्षिक सम्मेलन है ये कब बुलाया जाता है बच्चे? तो आप याद रखेंगे वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 महीना पहले आपको बुलाना पड़ेगा, जो आपका वित्तीय वर्ष है वो समाप्त होने वाला है तो उसके 3 महीने पहले ही वार्षिक सम्मेलन करना पड़ेगा। और ये सम्मेलन क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। कैसे कैसे महत्वपूर्ण मुद्दे? तो जैसे सबसे पहले तो लेखाओं का वार्षिक विवरण आपको विवरण पर चर्चा होगा। लेखाओं का वार्षिक विवरण मतलब क्या? मतलब आपने साल भर में क्या क्या काम किया। एक बात समझना, 12 महीना का एक साल होता है ना, 12 माह का एक साल होता है। ठीक बात। तो आपकी ये जो वार्षिक सम्मेलन होगी ये आपके 9वें महीने में, ठीक बात, 9वें महीने में ये वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करना पड़ेगा जब आपका साल वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला रहेगा उसके जस्ट 3 महीना पहले। एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको मैं बता रही हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ सके। अब मान लीजिए 9वें महीने में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हो गया तो अब यहाँ पर चर्चा किस पर होगा? तो लेखाओं का वार्षिक विवरण। लेखाओं का वार्षिक विवरण मतलब साल भर में क्या क्या आपने काम किया, इस 9 महीने में आपने क्या क्या काम किया और उसमें कितना कितना पैसा आपका बना है, पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा। ठीक बात। लेखाएं से रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड है चीजों का जो आप काम करेंगे उसका रिकॉर्ड तो लिख करके रखते हैं ना हम, उसका पूरा पूरा लेखा जोखा होता है हमारे पास, तो इसका विवरण आपको प्रस्तुत करना है 3 महीना पहले। दूसरा, पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट, ये वाला जो वर्ष खत्म होने वाला है
इसके पहले जो वित्तीय वर्ष हुआ था उसका रिपोर्ट किस प्रकार से रहा, मतलब यहाँ पर कंपेयर होगा कि पहले साल में हमने ज्यादा काम किया था या इस साल हमने ज्यादा काम किया है, पहले साल में ज्यादा पैसा लगा था या इस साल में ज्यादा पैसा लगा, तो ये कंपेयर करना है। तो यहाँ पर पिछले साल का जो वित्तीय रिपोर्ट है वो भी प्रस्तुत होगा। तीसरा, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास और अन्य कार्य। तीसरे नंबर पर क्या बात होगी बेटा, अब जो आने वाला वित्तीय वर्ष होगा उस पर हम क्या क्या काम करेंगे, तो इस पर भी चर्चा कब होगी, इसी वार्षिक जो मीटिंग होगी वहीं पर इसका भी चर्चा होगा कि आने वाला जो वर्ष है वहां पर हम कैसे कैसे विकास के क्षेत्र में काम करेंगे। नेक्स्ट है, अंतिम संघ परीक्षा और उसके संबंध में दिया गया उत्तर। आपके सामने सवाल जवाब भी होंगे कि आपने साल भर में 1 करोड़ रुपए लिया था कि भाई फलाने जगह पर मुझे नहर बनवाना है, तो कितना कितना का नहर बना, कितना का सीमेंट आया, कितना का गिट्टी आया, इसका पूरा लेखा जोखा दो। आपको हमने 1 करोड़ दिया था, क्या आपने 1 करोड़ रुपए ही लगाए या सिर्फ 1 लाख में निपटा दिए, बाकी अपने पास रख लिए। तो ये पूरा का पूरा चेक होता है कब, जब वार्षिक सम्मेलन होता है तब, और आपको सारा रिपोर्ट यहाँ पर ला करके प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक बात। चौथे नंबर पर ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक योजना। यहाँ पर ग्राम पंचायत का कितना बजट रहा ये भी आपको इसी में प्रस्तुत करना है, और इसके साथ साथ अगले जो वित्तीय वर्ष होगा उसका जो योजना है वो भी बनाया जाए। क्लियर। और लास्ट है पंचायत के कार्य का विवरण। हाँ भाई, तो इस साल क्या क्या काम किया हमारे पंचायत ने, तो ये सारा जो विवरण है ये आपको वार्षिक जो मीटिंग होगी सम्मेलन होगी उसमें बताना होता है। लेकिन यहाँ पर भी नोट करके आपको दो बात याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सी दो बात याद रखना पड़ेगा बेटा, तो पहला तो ये कि सामाजिक अंकेक्षण का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण का काम कौन करता है, सामाजिक चेक का काम कौन करता है, तो ये जो अंकेक्षण का काम है ये ग्राम सभा करेगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या, हर गांव में एक ग्राम सभा होता है, तो सारे के सारे जो ग्राम सभा वाले कम से कम अपने गांव का तो आकलन कर सकते हैं ना क्या क्या हुआ है, और सारे के सारे ग्राम सभा वाले अपने अपने गाँव का आकलन करेंगे और फाइनली जो रिपोर्ट है वो ले जाकर ग्राम पंचायत में दे देंगे। क्योंकि ग्राम पंचायत तो एक ही स्टोर है जिसके अंदर में 5, 6, 7, 8, 9, 10 गाँव आपके आ रहे हैं, है ना, तो सारे ग्राम सभा वाले कम से कम अपने अपने गांव का रिपोर्ट निकालेंगे और ले जाकर के पंचायत को दे देंगे। अब पंचायत क्या करेगा, सारे गांव को मिला करके उसका अंकेक्षण करेगा। ठीक, मतलब मेन काम कौन कर रहा, ग्राम सभा कर रहा। दूसरी बात, वार्षिक आय व्यय ग्राम सभा के बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ये तो बहुत पैसा का बात है ना, तो जो वार्षिक आय व्यय की आप बात कर रहे हो कितना आया और कितना गया, मतलब कितना पैसा हमने लिया और कितना पैसा हमने दिया, तो वार्षिक सालाना में कितना आय व्यय हुआ था, है ना, सालाना का जो बजट है, तो यह ग्राम सभा के बैठक में प्रस्तुत नहीं होता भाई, यह आपके ग्राम पंचायत के ही बैठक में प्रस्तुत होता है। तो इतना कॉमन सेंस तो हम लगाएंगे ना कि पैसा का मामला है तो छोटे मोटे मीटिंग में तो रखी नहीं जाएगी बात। ठीक है, तो ये भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पर से आपको बहुत अच्छे से ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा हो गई हमारी, और ग्राम सभा के बारे में भी हमने बहुत आराम से समझ लिया। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी पंचायत के सम्मेलन के बारे में। पंचायत का सम्मेलन किस प्रकार से होता है, तो जो चीजें मैंने आपको अभी समझाया उस चीज के बारे में हमारे यहाँ पर चर्चा होगी। फिलहाल देखना, पंचायत के सम्मेलन की अगर हम बात करें बेटा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर गढ़पूर्ति की बात करूंगी कि कोरम किस प्रकार से होता है और गढ़पूर्ति किस प्रकार से होता है। तो देखिए, ग्राम सभा की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ग्राम सभा में भी दो क्षेत्र होंगे। ग्राम सभा में भी कितने क्षेत्र होंगे, दो क्षेत्र होंगे। एक तो हम सामान्य क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और एक हम अनुसूचित क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था होती है हम उसके बारे में चर्चा किए हैं। उसके जब आगे जाओगे तब आप पहुंचोगे ग्राम पंचायत में। ठीक, सबसे पहले हमने ग्राम सभा का बात किया, ग्राम सभा से मिलकर के ही आपका ग्राम पंचायत बनता है, तो यहाँ से एक श्रेणी हमारी खत्म। उसके बाद हम बात करेंगे जनपद पंचायत के बारे में, तो जनपद पंचायत कहाँ पे होता है बच्चे, तो जनपद पंचायत होता है आपके ब्लॉक लेवल पर, ये भी अपने को पता चल गया। और उसके बाद जिला पंचायत की अगर मैं बात करती हूँ तो जिला पंचायत आपके जिला लेवल पर होता है। अब यहाँ पर समझो, अगर मैं कोरम की गढ़पूर्ति की बात करती हूँ तो अगर हम सामान्य क्षेत्र की बात करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र को हम सामान्य क्षेत्र में नहीं रखेंगे, सामान्य क्षेत्र मतलब नॉर्मल जो हमारा गाँव वाला एरिया हो, तो सामान्य क्षेत्र में गढ़पूर्ति कितनी होनी चाहिए बेटा, 1/10 होना चाहिए। और हमने जस्ट चर्चा किया कि इस 1/10 में से भी एक तिहाई महिला उपस्थित होनी चाहिए तभी वो गढ़पूर्ति कहलाए। अब वैसे अनुसूचित क्षेत्र में एक तिहाई लोग की मौजूदगी जरूरी है और ये पूरे के पूरे एक तिहाई लोग महिला की होनी चाहिए। दोनों पॉइंट हमारा एकदम क्लियर हो गया ना। उसके बाद हम बात करेंगे अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो सामान्य क्षेत्र में कौन करता है, अध्यक्ष अध्यक्षता सरपंच आपका करेगा। अनुसूचित क्षेत्र में कौन करता है, तो यहाँ पर ग्राम सभा के द्वारा मनोनीत व्यक्ति करेगा, सरपंच पंच लोग नहीं करेंगे, वो आपस में से किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे और वो जाकर के इसकी अध्यक्षता करता है। बैठक की संख्या की बात कर ले तो सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों में बैठक सेम होना है, मतलब क्या कि प्रत्येक 3 महीना में एक बार बैठक होना जरूरी है दोनों जगह पर, सामान्य जगह पर भी और विशेष जगह पर भी। और दूसरी बात हमने क्या किया कि कम से कम 1 साल में 6 बैठक जरूरी है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, 3 महीने में एक बार बैठक होना चाहिए
और एक साल में 6 बार बैठक आपका होना ही चाहिए। डेट भी फिक्स है जो हमने ऊपर चर्चा कर ली है, ठीक बात। तो ये हमने दोनों को साथ में लेकर के कर दिया। अब ग्राम पंचायत की बात कर ले और जनपद पंचायत की बात कर ले, तो यहाँ पर वही सेम चीजें हैं। ग्राम पंचायत में कौन होता है, तो ग्राम पंचायत में आपका सरपंच होता है, ठीक बात। और जनपद पंचायत में मेन कौन होता है, तो यहाँ पर आपके अध्यक्ष होते हैं। जिला पंचायत में कौन होता है, तो जिला पंचायत में आपके अध्यक्ष ही मौजूद होते हैं। तो जनपद पंचायत और जिला पंचायत दोनों जगह पर हेड का काम कौन करता है बेटा, तो दोनों जगह पर हेड का काम आपका अध्यक्ष करता है। लेकिन ग्राम पंचायत में आपके कौन मौजूद होते हैं, तो आपके सरपंच मौजूद होते हैं। तो ये चीज हमको समझ में आ गई, ये जो व्यवस्था था वो ग्राम सभा के लिए था। अब आगे देखिए, ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो किस प्रकार से होगी, ये तो ग्राम सभा की बैठक की बात रही कि हर 3 महीने में एक बार होना चाहिए ग्राम सभा की बैठक और एक साल में 6 बार होना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्राम पंचायत की बात करते हैं तब तो ग्राम पंचायत में प्रति माह आपको बैठक करना जरूरी है, हर महीने बैठक होगा, ठीक बात। और साल में 12 बैठक होना जरूरी है, तो क्योंकि ये पंचायत है, सारे छोटे छोटे गांव को मिलाकर पंचायत बना है, तो हर महीने बैठक होगा और प्रत्येक 12 माह में 12 बार आपका बैठक होना जरूरी है। जनपद पंचायत का भी सेम है, हर महीने बैठक होगा और एक साल में कम से कम 12 बार बैठक होगा। जिला पंचायत का भी सेम है, हर महीने बैठक होगा और कम से कम साल में 12 बार आपका बैठक हो ही जाना है। ग्राम सभा को बस छूट है कि हर 3 महीने में एक बार भी कर लो तब भी चलेगा, लेकिन एक साल में कम से कम 6 बार आपका होना चाहिए, 12 से ज्यादा तो कम से कम कर लो। ये ग्राम सभा के लिए था, ठीक। तो प्रत्येक निकाय मतलब ग्राम सभा की बात करो चाहे ग्राम पंचायत की बात करो, जनपद या जिला पंचायत, इनमें कोरम के लिए 1/3 महिला आवश्यक है। ये आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कई बार, हर जगह पर कोरम अगर पूर्ति की बात हो रही है तो 1/3 कम से कम आपकी महिला होनी जरूरी है, मतलब जरूरी है, ठीक बात। क्या अब यहाँ पर नोट करके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, लास्ट स्लाइड पर है हम एकदम, तो समझेंगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे और क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा मैं करूंगी ताकि आपको चीजें अच्छे से दिख सके। देखिए, ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं तो ग्राम सभा को पंचायत की स्वायत्त इकाई का दर्जा दिया गया है। अब पंचायत की बात हमने कर दिया तो पंचायत के अंदर में भी जो ग्राम सभा होता है ना बेटा, ये एक स्वतंत्र इकाई है या एक स्वायत्त इकाई है। तो स्वायत्त इकाई का दर्जा किसको दिया गया है, ग्राम सभा को। ग्राम सभा ग्रामीण निकाय की स्थायी निकाय है जो भंग नहीं हो सकता, बात समझ में आया। ग्राम पंचायत कैसे बना है, ग्राम सभा से मिलकर बना है, और जो ग्राम सभा है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यह एक स्थायी निकाय है, याद रहेगा हमको। तीसरी बात, यह राज्य विधायिका के समान अपने मंत्रिमंडल अर्थात ग्राम पंचायत पर, किसकी बात हो रही है, इसको आप थोड़ा सा छोटा करूंगी है ना ताकि आपको चीजें अच्छे से दिख सके। देखिए, यह जो है राज्य के विधायिका के समान, किसके समान, राज्य के विधायिका के समान अपने मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल मतलब किसकी बात हो रही है, मतलब अपने ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखेगी। कौन रखेगी, ग्राम सभा रखती है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है सारे गांव में, क्योंकि ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत एक इष्ट हुए, ठीक बात। चौथा, एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत, अब ये पॉइंट को समझना, एक अगर ग्राम पंचायत है तो इसके अंतर्गत एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे गांव आते हैं और वहां पर के जो लोग हैं वो मत देने आते हैं और जितने लोग मत देते हैं उनसे मिलकर के ही आपका ग्राम सभा बनता है। तो जनसंख्या के आधार पर आप 1, 2, 3 कितने भी ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी संस्था है, ठीक बात। एक्चुअली काम ग्राम सभा में हो रहा है, लेकिन होता है ना कि एक केंद्र जहां पर से जाकर हमको परमिशन लेना पड़ता है बार बार, तो वही समझेंगे कि जो ग्राम पंचायत है ये ग्राम सभा का एक कार्यकारी संस्था है तथा तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। कौन, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के काम का निरीक्षण और मूल्यांकन करती है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको एक बार और देखना पड़ेगा, वीडियो को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को अच्छे से देखिए, तो ये जो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पंचायती राज को लेकर के वो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक बात। क्या, तो यहाँ पर मैं करूंगी अपने क्लास को ऑफ। अगर आपको क्लास समझ में आया तो सेशन को जरूर से लाइक कर देंगे बच्चे, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।